हेलो स्टूडेंट, पेपर क्राफ्ट हैंगिंग में आपका स्वागत है। पार्ट सेकंड में चलिए, अपन ने पिछली बार अपन ने मैंने आपको बताया था कि ऐसे ब्रेड के बर्ड बनाएंगे, उसके अलग अलग पार्ट्स काटे हैं अपन ने, काटे थे। अब इसके अपने को असेंबल करना है, तो सबसे पहले ये वाले पार्ट अपने को लेने हैं और यहाँ पे एक कॉर्नर पे देखिए इधर की तरफ मुँह कर रखा है, ये जो फेदर है इसके कटिंग के अपोजिट डायरेक्शन में अपने को लगाना है और ये यहाँ से इसको लगाना है, इस तरह से इसके फेस को लगाना है यहाँ पे। फिर इसका जो टेल है थोड़ा सा टेल को ऊपर की तरफ इस टाइप से लगाना है, तो ग्लू लगाएंगे। यह टेल लग गया इस टाइप से, टेल लगाएंगे। अब यहाँ पे जो अपन ने वाइट सर्कल काटे थे आइज के लिए, वो वाइट सर्कल यहाँ सेम डिस्टेंस पे इसके अपोजिट साइड में, दूसरी आई इसके अपोजिट साइड यहाँ पे। फिर इसके लेग इधर की तरफ दूसरा लेग इस वाले फेदर को आप रखिए यहाँ पे बराबर में और फिर यहाँ लगा दीजिए एक बार, अब इसको हटा दीजिए। ये दूसरा लेग लग गया यहाँ पे। अब इसकी चोंच देखिए मैंने इस हिसाब से काटी इसको, यहाँ पे अपन चोंच लगाएंगे इसमें। ये बर्ड के मैंने यहाँ पे चोंच लगा दी, ब्लैक कलर ओपन करना है आपको, या ब्लैक शीट भी यूज कर सकते हैं आप इसके ऊपर, आइस के ऊपर। बार्स की हेल्प से यहाँ आंखें बनाएंगे, आंखों में सेंटर से कॉर्नर तक ट्रायंगल शेप्स दिखाएंगे, जो रिफ्लेक्शन का पार्ट नजर आती है ये वाली, सेम ऐसे ही इधर की तरफ से। इस टाइप से ये इसकी बर्ड की आंखें हो गई। ऐसे ही इसके बाद में मैंने कुछ छोटे छोटे सर्कल्स काटे हैं अलग अलग साइज के, जो इस हैंगिंग में यूज करेंगे। तो ये मेरी सारी जो मैंने जो बर्ड बनाई है वो ऑल बर्ड, अब इनको सबको अपन असेंबल करेंगे थ्रेड के हेल्प से। तो इनको सबको एक बार मैं साइड में कर देता हूँ। यहाँ मेरा जो थ्रेड है ये मोटा वाला जो थ्रेड है मेरे पास में वो यूज करना है।
देखिए यहां से आपको निकालना है, यहां एक गांठ लगानी है आपको, इस तरह से। और यहां ग्लू लगानी है, इससे करते हैं थ्रेड बिल्कुल सेंटर में। इस टाइप से